मॉर्निंग चिल्ड्रेन, इन साइंस आवर फिफ्थ चैप्टर इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स। फ्रॉम द वीडियो ऑफ चैप्टर 4 यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टर्म एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन इज अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव। वी विल लर्न अबाउट अनदर टर्म, द हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट इट इन योर साइंस नोटबुक। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। एवरग्रीन ट्रीज, ट्रीज विच डू नॉट शेड देयर लीव्स। एंड डेसीडुअस ट्रीज, ट्रीज विच शेड देयर लीव्स। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, प्लांट्स आर कैटेगराइज इन टू टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकेंड एक्वेटिक प्लांट्स। नाउ एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्रोइंग ऑन लैंड, सो प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, सेकेंड प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, थर्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरियाज, फोर्थ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट्स, एंड फिफ्थ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी और स्वाम्प एरियाज। वील स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट इज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स। द कोन शेप प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल। दे हैव नीडल लाइक लीव्स विथ वैक्स कोटिंग विच हेल्प्स वाटर एंड स्नो टू स्लिप ऑफ इजिली। दे आर फ्लावरलेस। दे हैव कोन्स विथ सीड्स इन साइड देम विच आर द कोन शेप ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफर्स और कॉनिफेरस ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल पाइन, फर, साइप्रस, सेडर और देवदार, स्प्रूस एट्सेट्रा। द लीव्स आर कोटेड विथ वैक्स टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्लोन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव स्पेस टू स्प्रेड। दे हैव सेवरल ब्रांचेज एंड लीव्स। दे कैन सर्वाइव विद हॉट क्लाइमेट एंड मे शेड देयर लीव्स इन विंटर। एंड व्हाट आर द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन विंटर? डेसीडुअस ट्रीज। Their leaves are flat. For example, banyan tree, mango tree, peepal tree, neem tree, शीशम ट्री एट्सेट्रा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। दिस ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, सुगर केन, रबर
tree and coffee plant etc. Now we come to the next type of terrestrial plants, the desert plants. We all know the desert areas have very little or no rainfall. So the adaptive features are, the leaves are modified into spines to reduce the loss of water. This also protects plants from grazing animals. The stem is green and fleshy. It contains chlorophyll. It prepares food for the plant and also stores food and water. In some desert plants, roots go deep under the ground and in some spread to large area to absorb maximum water from the soil quickly. For example, cactus, palm, acacia, etc. Now it's a fact that a dead palm produces clusters of 600 to 1700 dates each year. It produces fruit for 60 years. Now we come to the next type of terrestrial plants, that is plants growing in marshy or swampy areas. Now what are marshes? Places where soil is very sticky and clayey are called marshy or swampy areas. Trees like mangroves grow in marshes. The roots do not get air under the soil, so they grow special roots above the soil to breathe. Such roots are called breathing roots. Now you have to read and understand the different topics of this chapter. In part 2 of this chapter, we will start from adaptations in aquatic plants. Thank you. Have a nice day.